रही है, बर्फ घूम रही है, यहाँ भी मैनेजमेंट है, उधर सबके व्यक्ति मौसम बदल रहे हैं, ये अपना मैनेजमेंट है। आप सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वापस स्कूल जाते हैं, घर जाते हैं, उसमें भी मैनेजमेंट है। आपको टेन के बाद क्या करना है, ट्वेल्थ के बाद क्या करना है, ग्रेजुएशन के बाद कहाँ पर आपकी वैली, उसके अंदर भी मैनेजमेंट है। तो एक चीज़ें यूनिवर्सल है, आप ये कह सकते हैं कि एक जगह पर मौजूद है, इट इज़ ए यूनिवर्सल, ठीक है। दूसरा आप करेंगे जनरल गाइडलाइंस, मैनेजमेंट की बच्चों को कुछ जनरल गाइडलाइंस होती है, उस गाइडलाइंस के थ्रू आपको मुझे चलना पड़ता है। मैनेजमेंट इट इज कम है प्रैक्टिस ऑफ द पर्सन, मतलब कोई भी प्रैक्टिस जब तक नहीं करते जब तक आप मैनेजमेंट के अंदर एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। इवन मैनेजमेंट को प्रोफेशनल की कैटेगरीज में रखा गया है, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशनल फील्ड। प्रोफेशनल फील्ड कैसे, जैसे डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICW है, ये सब क्या है, ये सारे सारे लोग हैं जो प्रोफेशनल है। तो मैनेजमेंट को भी प्रोफेशनल की कैटेगरी के अंदर यहाँ पर रखा गया है। तो मैनेजमेंट भी क्या होगा प्रोफेशनल का, आप अगर जिसकी एक जनरल गाइडलाइंस होती है, जिसकी रोड्स वो कंडक्ट होंगे, आपको कैसे काम करना, कैसे एथिकल बिहेव करना, कैसे किसी के साथ डील करनी, ये सब आपको मैनेजमेंट के लिए जनरल गाइडलाइंस होगी, उस गाइडलाइंस को आपको चलना है। फिर होता है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस का मतलब क्या है, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस का मतलब हो गया कि आप मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करते हैं। प्रैक्टिस के ऊपर मतलब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, आपको जो नॉलेज होती चले जाएगी, आप उसके अंदर एक्सपर्टाइज होते चले जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज फॉर्म ऑफ द प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मैनेजमेंट के अच्छे होते चले। दूसरा हम देखते हैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद या डॉक्टर बनने के बाद या लॉयर बनने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप कहीं जॉब करो या तो आप प्रैक्टिस करो बी कॉम के लिए। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप डॉक्टर का एग्जाम कर लेते हैं, अगर बच्चा डॉक्टर बनता है उसके सामने दो दो ये होते हैं, या तो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा या जॉब करेगा। अगर वो प्रैक्टिस करता है, जॉब ही करता है, अगर प्रैक्टिस करता है तो उसके पास इक्विपमेंट्स होंगे, उसके पास इक्विपमेंट्स होंगे और वो कई तरह के लोगों की बीमारियों के साथ वो डील करेंगे। तो उससे उसको क्या होगा, उसको मैनेज करने का तरीका उसके अंदर आप डेवलप होते रहेंगे, कैसे चीज़ों को डेवलप किया है, कैसे चीज़ों को आगे हम बढ़ेंगे। इसके अंदर एक हैंड्रिक्स का प्रिंसिपल भी है, हैंड्रिक्स का प्रिंसिपल के अंदर भी हमको 14 प्रिंसिपल्स दे रहे हैं, उन प्रिंसिपल के अंदर हमको समझना है कि ये प्रिंसिपल्स काम कैसे कर रहे हैं, और वो 14 प्रिंसिपल्स आपको बुक्स दोबारा याद रखनी चाहिए। अगर आप उन दोबारा याद नहीं करते हो एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी चांसेस है, आप 2 से 5 नंबर के बीच में पेपर हो सकते हैं। तो आप प्लीज उसको ध्यान से रहेगा, हम उसको भी क्लास करेंगे, उसको भी क्लास करेंगे और हम उसकी क्लास करवाएंगे। तो हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज फॉर्म बाय प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर फोर इज फ्लेक्सिबल का मतलब होता है बिल्कुल लचीला, जितना मैनेजमेंट बिल्कुल लचीला होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट में लचीला पर नहीं है तो आप मैनेजमेंट के अंदर रिजिडिटी भी शुरू कर सकते हैं। अगर काम को ऐसे ही वैसे कर लेता है, वैसे ही ऐसे कर लेता है, अगर आप करते हैं नहीं काम को उसी तरीके से ही करना है, ऐसे ही किया जाएगा, तो आई एम सॉरी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। आपको काम के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिजिडिटी भी होनी चाहिए, आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। जितने ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे उतने ज़्यादा आपके प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा यूनिवर्सल एप्लीकेबल जनरल गाइडलाइंस फॉर प्रैक्टिस एंड फ्लेक्सिबल। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 हिंदी बिहेवियर। देखिए ये जो मेन चीज़ें बिहेवियर के प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट है बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं, आप हम बिहेवियर कर सकते हैं, ठीक है। काम करने का बिहेवियर कर सकते हैं, आप अपने काम के प्रति कितने डेडिकेटेड हैं, आप अपने काम को कितने अच्छे तरीके से कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपको ये मत पड़ेगा कि आपका बिहेवियर भी सही के कारण ताकि आप मैनेजमेंट को और भी अच्छे से जान पाए, आपका काम करने का तरीका ज़्यादा चीज है तो ये होगा, हाँ वो लोग उनको चिल्ला देते हैं या आप मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा अरेस्टमेंट नहीं करते, ये सब आपको बिहेवियर करेगा। अगर आप ये
चीज़ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज का मतलब हो गया कारण, इफेक्ट का मतलब कारण, क्या कारण रहा जिसके ऊपर ये इफेक्ट पड़ा, कोई भी इफेक्ट होगा तो किस कारण से नहीं हुआ, इसके कॉज और इफेक्ट का रिलेशन हो चुका। मान लीजिए अगर आप मैनेजमेंट सेक्टर आपसे काम हमसे नहीं हुआ और आप ये देखना चाहते हो तो आप दूसरा इफेक्ट ढूंढना पड़ेगा, कॉज ढूंढना पड़ेगा, सॉरी कॉज ढूंढना पड़ेगा, कॉज क्या कॉज है, किस कॉज की वजह से चीज़ नहीं हो पाई, किस कॉज की वजह से चीज़ नहीं हो पाई, क्यों मेरा टारगेट नहीं हो रही है, अचीव नहीं हो पाई, ये आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का हिसाब आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। दूसरा कॉज एंड इफेक्ट के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि जो मेरे टारगेट की गोल जो मेरे अचीव किए हैं वो बेटा कहीं पर भी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैंने 1 करोड़ का प्रॉफिट का सेट टारगेट किया है और मैंने 99 से कमाया तो बाकी के 10 लाख में क्यों नहीं कमाया, उसका मुझे बहुत इफेक्ट है कि मुझे कहाँ रोक दिया है, कहाँ पर मैं छूट गया है, किस जगह पर मेरे ये से ये हो गया, मेरे को बहुत इफेक्ट का रिलेशन देखना पड़ेगा मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक गोल आपका पूरा होता है, दूसरा गोल आपका अटैक कर लेंगे, ऑटोमेटिकली हो जाता है, एक ह्यूमन माइंड है चलता जाता है। अगर आप इस चीज़ को नहीं मानते हैं तो आप और वही कर सकते हैं। मैनेजमेंट एक जिंदगी का एक पार्ट है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सेटअप करनी पड़ती है, छोटे छोटे गोल्स के अंदर टुकड़ों के अंदर छोटे में फिर बड़ा गोल बनाना पड़ता है, उससे बड़ा गोल बनाना पड़ता है। लेकिन छोटा बच्चा होता है उसके लिए कई प्रायोरिटी होती है, 10 पास करना, 10 के बाद उसकी प्रायोरिटी किस सब्जेक्ट में होगी, फिर वो सब्जेक्ट में चूज करके अपने सब्जेक्ट करके टॉप करने की कोशिश करता है 12th में, फिर ग्रेजुएशन करता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, फिर PhD करता है। तो ये हमने अपने हिसाब से छोटे छोटे गोल किए, आप छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते रहते हो और आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहते हो तो ये कंटिन्यूसली प्रोसेस होता है। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूसली प्रोसेस होगा जिससे आप बोल नहीं सकते कि कंटिन्यूसली नहीं है। तो आपको ये सब प्रिंसिपल को आपको क्लास करते हैं, ये सबको प्रिंसिपल्स के इफेक्ट पर गौर देखते हैं, एज इट इज आपको नहीं याद करते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबल जनरल गाइडलाइंस फॉर्म बाय द कंट्रीज फ्लेक्सिबल रेगुलेटेड कॉज एंड इफेक्ट इन एवरी कंट्री, ये आपको टू द पॉइंट ऑफ इंट्रो ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है, अभी तक के लिए इतना, थैंक यू।